त्योहारों पर भीड़ का जुटना लाजमी है और कोरोना काल में भीड़ का मतलब है जोखिम, तो इस बार कुछ बदला होना चाहिए त्योहार का अंदाज। देखिए, मुझे लगता है त्योहार के भीतर मूल है भावना। कोई भी धार्मिक पर्व है, उसके मूल में, उसके डीएनए में भाव प्रमुख है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी कि मेरा भोजन भाव है, न मिश्री है न माखन है। तो भगवान हो, अल्लाह हो, भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन समय के अनुकूल होना चाहिए और हुए हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ये जो मौजूदा स्वरूप है, जो इस साल नहीं होगा, वहां की राज्य सरकार ने भी वहां के धार्मिक संगठनों से ये विनती की और उन लोगों ने उसको स्वीकार किया कि भाई इस बार छोटी मूर्ति घर पर ही रखिए, घर पर ही पूजन करिए, गणपति का आवाहन करिए, अन्यथा पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव सार्वजनिक धार्मिक उत्सव का विशालतम रूप होता था, विशालतम रूप। लेकिन आपको पता है क्या कि यह हजारों साल का स्वरूप नहीं है। यह तिलक जी के समय शुरू की गई एक प्रथा है, जब अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट करने के लिए, महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने एक धार्मिक पर्व को प्रतीक के रूप में चुना था। अब परिस्थिति दूसरी है तो महाराष्ट्र ने फैसला किया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा, सदियों की परंपरा है, 10 से 11 लाख लोग सड़क पर होते हैं जब रथ यात्रा निकलती है। उससे बड़ा उड़ीसा के लोक जीवन में कोई पर्व ही नहीं, उससे बड़ा कोई पर्व नहीं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर अनुमति दे देंगे तो भगवान जगन्नाथ भी बुरा मानेंगे कि भाई आपको बुद्धि विवेक नहीं थी क्या, ऐसे संकट के समय आपने ये भीड़ जुटाने का कार्यक्रम क्यों किया। वहां भी वो प्रतीकात्मक स्वरूप में यात्रा होगी। हमने लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक अपने सारे धार्मिक स्थलों को, वहां पूजा अर्चना बंद नहीं की, उसका स्वरूप ही तो बदला। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ की पूजा बंद नहीं हुई, इतना हुआ कि एक आचार्य पूजा करा देगा। जो ढोल मृदंग बजता था आरती में और सैकड़ों लोग उपस्थित होते थे, वो नहीं होगा। महाकाल में बंद नहीं हुई, वैष्णो देवी में बंद नहीं हुई, कोई बड़ी मस्जिद में नमाज बंद नहीं हुई, गुरुद्वारे में पाठ बंद नहीं हुआ, लेकिन भीड़ बंद कर दी। और इन सबसे भी ज्यादा मूवमेंट वाला जो एक ओकेजन है वो है हमारे यहां उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कांवड़। 5-7 करोड़ आदमी ट्रैवल करता है एक पखवाड़े में, रात दिन अहर्निश। उतना आदमी शिविरों में विश्राम करता है, तब तो समस्या में ही समस्या हो जाएगी। वो तो फिर खुला उल्लंघन हो जाएगा, अब तक के सारे तप का उल्लंघन हो जाएगा। जितना तप अभी तक किया है 90 दिन में देश ने, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज मैं विषय लेके आया। अभी सरकारों का निर्णय आना बाकी है। आज रात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि भाई कांवड़ का रूप स्वरूप क्या हो। लेकिन हमने कहा हम भी एक बार बात रखें ताकि लोक मन क्या है यह भी शासकों को पता लगे। बड़ा संकट हो जाएगा। महादेव का अभिषेक, जलाभिषेक हम अपने मोहल्ले के मंदिर में भी कर देंगे तो भी बाबा उतना ही प्रसन्न, उनको तो कहते भोले भंडारी हैं। बाकी सब में तो क्रिया
प्रक्रिया लंबी है देवी देवताओं की पूजन विधि में। महादेव की तो कोई पूजन विधि उन्होंने रखी ही नहीं, चाहे जैसे भजो चाहे जहां भजो, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए तो वही पंचाक्षर को मंत्र कह दिया हमारे यहां ऋषियों ने, कहा यही मंत्र है, यही बीज मंत्र है। और कांवड़ यात्रा, और कांवड़ यात्रा के बाद फिर जलाभिषेक। आप जानते हैं पूरे देश भर के शिवालयों में कितना आस्था का सैलाब उमड़ता है, वो एक संकट हो जाएगा सरकारों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और हम सबके लिए। इसलिए हमने कहा एक बार चर्चा कर ले, धार्मिक लोगों से भी पूछे भाई इसमें क्या कर सकते हैं, ताकि मर्यादा भी बनी रहे पर्व की और जागतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी मान रह जाए। दूसरा मसला बकरीद का भी है। मेरा पैमाना एक, कांवड़ के लिए भी बकरीद के लिए भी, ना हंगामा यहां ना हंगामा वहां। प्रतीक रूप में दीजिए कुर्बानी अगर बाजार नहीं लग पा रहा है वैसा, और कुर्बानी देने के तमाम तरीके हैं, पता नहीं हमारे गांव में किसी समय में ऐसी स्थिति रही होगी कि किसी पीढ़ी में कि तब पशु की बलि दी जाती थी देवी को जी, एक खास तिथि पर। पीढ़ियां बदली, कोई पीढ़ी आई होगी जिसके मन में करुणा आई होगी, जिसने बुद्ध को पढ़ा होगा, उन्होंने कहा भाई ये नहीं करेंगे। अब मान भारत इसीलिए अद्भुत है, भारत का अंगूठा पीछे तक जाता है। अंगूठा पीछे तक जाने का मतलब इसके अंदर समायोजन की क्षमता अद्भुत है। बूरा और घी मिला के एक मेढ़ा बना के थाली में रखा और उसको चांदी के सिक्के से काट दिया और सबने प्रसाद पा लिया। वो प्रथा आज तक जारी है हमारे परिवार में, हो गया मान। यही नहीं, वो कहे गए ना रैदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके बाद दुर्गा पूजा, ये त्योहारों का सत्र है। अब भारत में दुर्गा पूजा का मतलब पूरा पूर्वोत्तर भारत पंडाल में हो जाता है, और अब तो वो दिल्ली में भी होता है। करोड़ों लोग बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल, वहां दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पर्व है, और वो भी बाहर का पर्व है। पंडाल सस्ता है, लोग जाते हैं, जिस पंडाल में जितने ज्यादा लोग जाए लगभग गणपति उत्सव जैसा दृश्य होता है बंगाल में, जैसा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव। टोना अभी इसकी अनुमति नहीं देता किसी की, वैक्सीन आ जाए तो भी नहीं देता। अबल तो आजकल में आने वाली नहीं, और आ भी जाए तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती, और लग भी जाए तो भी ये इतिहास तो अभी सालों एक साथ लेके हमको जीना पड़ेगा।